इंडियन एयरफोर्स अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ दुश्मन के खिलाफ आसमान में जंगी लड़ाई लड़ रही है। कैप्टन बिपिन इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। आसमान में लड़ी जा रही इस लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में है। पर तभी दुश्मन देश के हेलीकॉप्टर से बिपिन के हेलीकॉप्टर पर एक बम गिरा दिया जाता है और कैप्टन बिपिन का हेलीकॉप्टर खाई में जाकर गिर जाता है। आगे क्या होता है, कैप्टन बिपिन बच पाते हैं या नहीं, या जानने के लिए देखिए इस कहानी को। कैप्टन बिपिन का आज सपना पूरा हो गया है। उनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है और इसी खुशी में वो पूरे गांव में लड्डू बांट रहे हैं। अरे काकी, लड्डू खाने में क्या कंजूसी कर रही हो, जितने खाने हैं उतने खाओ। वैसे भी आप गांव वालों के अलावा है ही कौन। मेरा बचपन में ही मैं अनाथ हो गया था, तब से इसी गांव को अपना परिवार मान लिया। विपिन बेटे, आज तेरा सपना पूरा हो गया है, अब तू जल्दी ही अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा ना, पर तेरे बगैर तो ये पूरा गांव सूना हो जाएगा बेटे। हाँ, जाना तो होगा काकी, पर देश के लिए कुछ करने का मौका हमेशा नहीं मिलता। और पता नहीं, मुझे कोई काम करने का मन ही नहीं करता। मेरा मन करता है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाकर कुछ करूं, और आज मुझे वो मौका मिल गया। अगले हफ्ते विपिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। विपिन, मुबारक हो, अब आप भी इंडियन एयरफोर्स का एक हिस्सा है। कल से ही आप हमारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। यस सर। विपिन, इनसे मिलो, इनका नाम रोशन है, ये भी तुम्हारे साथ इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे। और रोशन, ये विपिन है, चलिए अब मैं चलता हूँ, आप दोनों आपस में बातें कीजिए। विपिन और रोशन दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें शेयर करते हैं और कुछ ही मिनटों में वो बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरे यार, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके, तुम काफी हद तक मेरे जैसे हो। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं यहाँ कोई दोस्त बना पाऊंगा कि नहीं, और देखो पहले ही दिन तुम मिल गए। चलो विपिन, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, इन्हें देखकर मुझसे रुका नहीं जाता। जानते हो, यह भी वजह है जिस कारण मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया है। अरे रुको रोशन, पहले ट्रेनिंग तो कम्प्लीट हो जाने दो, फिर उड़ा लेना हेलीकॉप्टर। अगले दिन से दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है। उनको एयरफोर्स के सभी नियमों से परिचित कराया जाता है और साथ ही सभी विमान और मिसाइलों से। तब जाकर बारी आती है हेलीकॉप्टर उड़ाने की। रोशन हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड था। रोशन यार, दाद देनी पड़ेगी तेरी, हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए तू कितना एक्साइटेड है, और मैं देख कितना डरा हुआ हूँ। टेंशन मत ले विपिन, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुझे कभी कुछ नहीं होगा। कभी तेरी जान पर भी बनाएगी ना तो मैं रहूंगा, चाहे मरकर भी वापस क्यों ना आना पड़े यार। बस यार रोशन, तू तो बहुत आगे चला गया, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। दोनों अपने अपने हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं और उन्हें लेकर आसमान में उड़ने लगते हैं। विपिन तो अपना हेलीकॉप्टर थोड़ा आराम से चलाता है, पर रोशन हेलीकॉप्टर टॉप स्पीड में उड़ा रहा था। देख विपिन, मैं तुझसे कितना आगे हूँ, चल यार थोड़ी स्पीड बढ़ाना। नहीं नहीं रोशन, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू चल। तू तो डरपोक का डरपोक ही रहेगा, मैं चलता हूँ। रोशन ऐसा कहकर अपना हेलीकॉप्टर बहुत दूर ले जाता है, पर तभी उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। उसका हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और फिर खाई में गिर जाता है। उसी हेलीकॉप्टर के साथ रोशन की मौत हो जाती है। विपिन रोशन को खोने के सदमे से कई महीनों तक बाहर ही नहीं निकल पाता। 5 महीने बाद। गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, मैं आज आपको एक बैड न्यूज सुनाने जा रहा हूँ। विपिन, दुश्मन देश ने हम पर हमला कर दिया है, यही मौका है खुद को साबित करने का। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को लीड करो और अभी अपनी टीम को लेकर तुम निकल जाओ, इससे पहले कि दुश्मन हम पर भारी पड़ने लगे। विपिन अपना हेलीकॉप्टर और अपने साथ दो और साथियों को लेकर जंग पर निकल जाता है। विपिन के जंगी विमान दुश्मन देशों को बम बारूद से रोकने की कोशिश करते हैं। सचिन, तुम नॉर्थ की तरफ जाओ, वहाँ दुश्मन हम पर हमला करके हमें कमजोर कर सकता है, इससे पहले कि वो कुछ करे हमें उसे रोकना होगा। और दीपक, तुम साउथ की साइड, यहाँ सब मैं देख लूंगा। विपिन और दुश्मन के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, कभी विपिन बम फेंकते तो कभी दुश्मन। विपिन दुश्मन पर भारी पड़ते नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत की जीत पक्की है कि तभी दुश्मन एक बम विपिन के हेलीकॉप्टर पर छोड़ देता है और उस बम के कारण विपिन का हेलीकॉप्टर खाई में जाकर गिरता है। जीत गए, ये दुश्मन हमें कभी नहीं हरा सकते, अब हम इस देश पर अपना कब्जा करेंगे। उधर विपिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसका हेलीकॉप्टर भी टूट के चकनाचूर हो गया था। पर तभी वहां रोशन का भूत आता है। मेरे दोस्त विपिन, यह तुझे क्या हो गया है, उठ विपिन उठ,
तुम कौन हो? मैं यहाँ? बिपिन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त रोशन हूँ। मैं उस दिन खाई में गिर गया था और फिर मेरी मौत हो गई थी। मुझे तो कोई बचाने वाला नहीं था, पर तुम्हारे लिए मैं हूँ। मैं तुम्हें अभी सही कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी दुश्मन को हराना है। वो जीत गया तो हमारे देश को तबाह कर देंगे और हम यह कभी नहीं होने दे सकते। रोशन अपनी शक्ति से विपिन को ठीक कर देता है और उसके हेलीकॉप्टर को भी। रोशन, अब मैं चलता हूँ, देश को मेरी जरूरत है। पर यार, यह नई जिंदगी के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन अपने हेलीकॉप्टर के साथ वापसी करता है और एक मिसाइल छोड़कर उन सभी हेलीकॉप्टरों को गिरा देता है और आखिरकार विपिन की जीत होती है। वो अपने मिशन में कामयाब होता है। रोशन, इस जीत का असली हकदार तू है। तू नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। इस नई जिंदगी के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इंडो चाइना बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी थी। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर अपने हथियारों के साथ बर्फीले मौसम में बॉर्डर पर तैनात थे। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही दिखाई दे रही थी। हमारे देश की एयरफोर्स आर्मी के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। दोनों ओर से गोला बारूद और हवाई हमले चालू हो गए थे, लेकिन अचानक एक एयर कमांडो का हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी पहाड़ की बर्फीली चोटी से टकरा जाता है। उस ब्लास्ट में एयर कमांडो का बचना नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए थे। दो दिन बाद विक्रम और ध्रुव इंडियन आर्मी के दो जवान थे। वह बर्फ से ढके पहाड़ पर इधर उधर भटक रहे थे कि तभी उन्हें बर्फ के ढेर के नीचे से इंसानी आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बर्फ को जल्दी जल्दी हटाने लगते हैं। बर्फ हटाने पर उन्होंने एक घायल सिपाही को पाया जो कि बुरी तरह जल चुका था। वह घायल हालात में धीरे धीरे मदद के लिए पुकार रहा था। विक्रम और ध्रुव उसे एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं जो कि एक सुरंग थी। वह दोनों मिलकर आग जलाते हैं और उसके जख्मों पर दवाइयां लगाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, आखिर ये जवान यहाँ आया कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, और ये इतना बुरी तरह जल चुका है कि इसके घाव भरने में बहुत समय लगेगा। न जाने इसकी मिलिट्री टीम को इसकी खबर है भी या नहीं, कहीं इसका नाम शहीदों में शामिल तो नहीं कर दिया गया। उन दोनों के दिमाग में इस तरह के सवालों का बवंडर तड़पड़ा रहा था। वो दोनों मिलकर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। वह दोनों उसके शरीर पर लगे चोट पर जड़ी बूटियां लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, रोजाना लेप लगाकर। ऐसे ही 21 दिन बीत जाते हैं और 21वीं रात को वह घायल सिपाही चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। ध्रुव और विक्रम लकड़ियों को जलाकर अपना हाथ पांव सेक रहे थे। मां, वीर को अब होश आ चुका था। वह विक्रम और ध्रुव को अपने आसपास देखकर बोलता है, मैं यहां क्या कर रहा हूं? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मेरे भाई, तू अब ठीक तो है ना? मैं वीर हूं, मैं तो अपने देश की रक्षा कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा हेलीकॉप्टर बड़ी चट्टान से टकरा गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तू हमें 21 दिन पहले बर्फ के ढेर के नीचे घायल हालत में मिला था और तब से तू बेहोशी की हालत में हमारे साथ है, लेकिन आप दोनों को मैंने कभी मिलिट्री में नहीं देखा। आप दोनों कौन है? मैं आपको पहचाना नहीं। तुम क्या ही सुनोगे हमारी कहानी, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम वीर के सामने अपना हाथ आगे करता है और उसे बोलता है, तू मुझे छूकर दिखाओ। वीर थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन जब वह उसके हाथों को छूने की कोशिश करता है तो उसके हाथ विक्रम के हाथ के आर पार हो जाते हैं और वो डर जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हाथ तुम्हारे हाथ को छू क्यों नहीं पा रहे हैं? वीर, हम दोनों असली इंसान नहीं है। जंग में मैं और ध्रुव दुश्मन के हाथों मारे गए, लेकिन हमने प्रतिज्ञा ली थी कि मरने के बाद भी हम भारत माता की रक्षा करेंगे, और आज भी हमारी आत्माएं इस सरहद पर भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर है। मैं दो आत्माओं से बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 21 दिनों से बेहोशी की हालत में दो शहीद आत्माओं के साथ रह रहा था और अभी भी हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो किसी को भी नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसके सामने हम प्रकट हुए हैं। हम हमेशा से ही इंडियन आर्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। इंडियन आर्मी के नौजवान हमारे भाई हैं। क्या आप दोनों एक साथ एक ही जंग में शहीद हुए थे? नहीं, मेरी कहानी तो कुछ और ही कहती है। आज से तकरीबन 16 साल पहले
मैं जंग में अपनी सेना की टुकड़ी के साथ दुश्मन का खात्मा करने निकला था। मेरे सारे साथी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, केवल मैं ही अकेला बचा था। उस वक्त मेरी मदद विक्रम की आत्मा ने की थी। उन्होंने दुश्मन सेना को अकेले ही धूल चटा दी और मेरा मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन आखिरी में एक दुश्मन हमारे हाथों से बच निकला और जब हम जंग जीत कर वापस जा रहे थे कि तभी उस दुश्मन ने मुझ पर पीछे से गोलियों की बरसात कर दी। मैं वहीं शहीद हो गया। तब से मैं और मेजर विक्रम एक साथ इंडियन बॉर्डर पर भटकते रहते हैं। तो आप लोग इंडियन आर्मी के लिए अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा चुके हो। सैल्यूट है मेरी ओर से आप दोनों को। हमारा तिरंगा कभी भी नहीं झुक सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना का हर एक जवान को अपने प्राणों से प्यारा अपना तिरंगा है, अपनी भारत माता है। अब तुम ठीक हो चुके हो, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी आर्मी के पास वापस जाना चाहिए। आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भारत माँ के लिए अपनी जी जान लगा सकता हूँ। वीर मुझे तुम पर गर्व है। इतना बोलकर विक्रम और ध्रुव वहां से गायब हो जाते हैं। वीर उन दो जवानों से मिलकर अपनी एक एक सांस भारत माँ के नाम करने की शपथ लेता है। वीर अपनी इंडियन मिलिट्री टीम के पास वापस जाता है और जहां सभी सोल्जर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके शरीर पर घाव देखकर हेडक्वार्टर से उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। वह अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है।